का ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। कई जिले ऐसे जहां प्रशासन और नगर निगम कार्रवाई के मोड में आ चुका है। देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आदेश के बाद प्रदेश में प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर और बाजार में खुले में मांस बेचने के खिलाफ एक्शन लिया गया। ग्वालियर, उज्जैन, आगर मालवा और इंदौर की इन तस्वीरों में ये आप देख भी सकते हैं। वहीं इंदौर में भी सीएम के आदेश के बाद धार्मिक स्थलों पर एक्शन की तैयारी है। महापौर ने अधिकारियों को धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही खुले में मांस बेचने पर प्रशासन सख्त हो चुका है। महापौर ने निगम अमले को कार्रवाई के निर्देश दिए। कार्रवाई के लिए निगम का दस्ता बाजारों में पहुंचा। 17 दुकानों का चालान काटा गया। अब तक शहर में 100 दुकानों पर कार्रवाई की गई। 40 से ज्यादा दुकानों को फुटपाथ से हटाया गया। देखिए, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम और मध्य प्रदेश सरकार के कल के दिशा निर्देशों के अनुरूप बिना अनुमति के तय सीमा के बाहर यदि कोई लाउड स्पीकर का उपयोग करता है तो उनके खिलाफ चेतावनी देकर और दिशा निर्देशों के अनुरूप सभी नगर पालिकाओं को, जिला प्रशासन को ये निर्देश दिए हैं, हम भी उनका कठोरता से पालन करेंगे। वही खरगोन में खुले में मांस बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई प्रशासन ने की है। हमारे साथ अधिकारी मौजूद है, किस प्रकार कार्रवाई चल रही है? हम लोग जांच वगैरह कर रहे हैं मांस मटन की दुकानों का, और जहां पे कोई इस तरह से लाइसेंस वगैरह नहीं है उनको विधि अनुरूप हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी कहां कहां कार्रवाई की गई? अभी हमने दो जगह तलाई मार्ग में कार्रवाई की, यहां मटन मार्केट में भी आई, यहां पे कार्रवाई चल रही है। बहरहाल एमपी में नए सीएम डॉक्टर मोहन यादव के पहले फैसले पर प्रशासन का अमल शुरू हो चुका है और आगे भी इसी मामले पर कार्रवाई ऐसे ही जारी रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब खबरों का 2020।